आज मेरे साथ में मौजूद है इंद्रानी तालुकदार। इंद्रानी, मोस्ट वेलकम। हमारे दर्शक जो हैं, सबसे पहले आपके बारे में जानना चाहते हैं, अपने बारे में हमारे दर्शकों को कुछ बताइए। दर्शकों को मैं अपने बारे में क्या बताऊं, मैं एक्ट्रेस हूं और मेरी फिल्म आई थी 2015 में, लतीफ आई थी। उसके बाद मैंने राजपाल यादव जी के साथ अपरिचित शक्ति में काम किया और उसके बाद तो फिल्मों का सिलसिला स्टार्ट हुआ है। कई फिल्मों में मैंने काम किया है एज अ लीड और अभी मेरी रिसेंटली एक फिल्म रिलीज हुई थी देवेंद्र से। जी। अच्छा इंद्राणी, एक बात बताइए कि एक्टर बनने का सपना जो था वो आपका बचपन से था? बेसिकली सपना तो था बचपन से ही था, बट ये जो सपना था ना, ये बोलते ना कुछ कुछ चीजें हिडन डिजायर। सपना तो था, इतनी फिल्में देखती थी फिल्में देख के सब इमिटेट करती थी, एक्टर एक्ट्रेसेस के डायलॉग सब नकल उतारने की कोशिश करती थी जब मैं छोटी थी। तो उस वक्त की बात मैं बताती हूँ, मैंने प्यार किया इस टाइप की फिल्में मैं बहुत देखती थी। फिर मैं पूरी फिल्म की डायलॉग ही याद कर लेती थी और मैं कभी सलमान खान बन जाती थी तो कभी भाग्यश्री बन जाती थी, कभी उसकी मम्मी बन जाती थी। सारे डायलॉग मुझे याद था और सब लोग बोलते थे हाँ इसकी डायलॉग बोलो। मैं पूरी फिल्म ही बोलती थी, तो स्टार्ट टू एंड तक था, बहुत ये डिजायर तो था। बट क्या कहते हैं ना कि कह नहीं सकते थे कोई फिल्म बैकग्राउंड के तो कुछ थी नहीं। फिल्म लाइन में जाना मतलब एक सपना है, मतलब कि कभी सोच भी नहीं सकते थे ना व्यक्त कर सकते थे। तो अब तक का सफर आपका कैसा रहा? सफर आना हुआ, मैं पढ़ाई के लिए आई थी, एलएलबी करने के लिए मुंबई आई थी। उस वक्त कॉलेज के टाइम पे ही यहाँ पे थोड़ा बहुत थिएटर वेटर करना शुरू कर दिया, फिर फिल्म में बॉम्बे में आई थी तो लेट्स ट्राई। ओके। अच्छा, आपकी जो अभी फिल्म रिलीज हुई है, 6 जुलाई को रिलीज हुई है, जिसका नाम है देवन मिस्र। एसएमईस फिल्म है, मगही फिल्म है, एंड आई थिंक वो बहुत जोर शोर से चल रही है, इट्स अ सुपर हिट। तो उस फिल्म के बारे में बताइए, वो फिल्म आपको कैसे हासिल हुई, उसके उसमें काम करने का एक्सपीरियंस कैसा रहा? उसमें काम करने का एक्सपीरियंस तो बहुत ही खास रहा, क्योंकि ये लैंग्वेज के लिए मैंने काफी मेहनत करी थी। तो जो डायरेक्टर प्रोड्यूसर है वो हीरोइन की तलाश में मुंबई में आए थे, बेसिकली वो लोग पटना बेस्ड है। तो उनकी जो एसोसिएट है उन्होंने मुझसे मुलाकात करवाई, उन्होंने कई हीरोइनों से मुलाकात करवाई, तो उनको ऐसा लगा कि मैं फिट रहूँगी। बट बहुत लोगों ने उनको बोला है कि नहीं, वो मतलब 200 साल पुरानी पंडितायन का रोल है, मतलब इतनी हाउसवाइफ टाइप का रोल है, ये लड़की नहीं चलेगी, अंग्रेजन टाइप की लड़की लगती है ये, तो चलेगी ही नहीं। बट उनको ऐसा लगा नहीं, लुक देंगे तो ये लड़की चलेगी, लगेगी वो। बट उनका कहना सच हुआ, जब मैंने गेटअप में मैं आई सेट पे तो सब लोग ने बोला वाओ, ये मतलब एप्रोप्रिएट कास्टिंग है। फिल्म इंडस्ट्री में ऐसी कोई फिल्म जो आपके दिल के बहुत करीब हो, कोई भी ऐसा रोल जो आप निभाना चाहें? कई रोल है जो मैं निभाना चाहती हूं। वन स्पेसिफिक रोल ब्लैक मूवी में संजय लीला भंसाली जी की, जो रानी मुखर्जी ने किया था, वो किरदार में निभाना चाहूंगी। डिफेंडर। ओके, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी डिफिकल्ट कैरेक्टर। वेरी डिफिकल्ट, मैं चाहती हूं कि ऐसा कैरेक्टर मैं निभाऊं इन फ्यूचर में। अच्छा, एक बात बताइए, जैसे बॉलीवुड में आने से पहले लड़कियों के लिए एक मान्यता, एक मिथ होता है कि यहाँ पे एक लड़की को बहुत सारी डिफिकल्टीज से गुजरना पड़ता है, कास्टिंग काउच से गुजरना पड़ता है, बहुत चीजों को मैनेज करना पड़ता है। तो आपने जितना अभी तक काम किया है, ऐसी डिफिकल्टीज का सामना आपको करना पड़ा? डिफिकल्टीज का सामना तो हर एक फील्ड में एक लड़की को करना पड़ता है, फिल्म इंडस्ट्री हो या फिर कोई दूसरी इंडस्ट्री। जब एक लड़की अपने घर को छोड़ के बाहर आती है काम करने के लिए, बट फिल्म इंडस्ट्री में आपको कोई जोर जबरदस्ती नहीं कर सकते, इट्स अप टू यू कि आपको कौन सा रास्ता चुनना है, आपको कॉम्प्रोमाइज वाला रास्ता चुनना है या फिर विदाउट कॉम्प्रोमाइज वाला रास्ता चुनना है। जो कॉम्प्रोमाइज वाला रास्ता है शॉर्टकट है, बट ये वाला रास्ते में आपको टाइम लगेगा, मेहनत वाला रास्ता है। बट आप में अगर लगन होगा, आप फोकस्ड रहेंगे और आप में सबसे बड़ी बात अगर पेशेंस होगी तो मंजिल आपको जरूर मिलेगी। अच्छा, आपके अपने जितने भी अपकमिंग प्रोजेक्ट्स हैं उनके बारे में डिटेल में हमारे दर्शकों को। मेरी अभी एक रिलीज में है राजपाल यादव जी के साथ, उनके ऑपोजिट में मैंने काम किया है अपरिचित शक्ति में, उसमें डायरेक्टर है सनी कपूर जी और प्रोड्यूसर है रविंद्र जुटेजा जी। उसके अलावा मेरी और एक फिल्म आ रही है फ्रेंड्स फॉरएवर, उसमें उनके डायरेक्टर है हरीश भोसले सर, जो काफ़ी सीनियर डायरेक्टर है, वो महेश भट्ट जी के साथ 20 साल से पिछले 20 साल से एसोसिएट रहे हैं। और एक आने वाली है हॉरर लव स्टोरी,
और बीच में मैंने एक आसामिस मूवी भी की थी, वो भी आई थिंक सो नवंबर दिसंबर में रिलीज हो जाएगी। और अभी एक चल रही थी, अभी कल ही मैंने डबिंग कंप्लीट किया है खंडाला नाइट। हमारी टीम की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, आप और भी खूबसूरत लगें और भी अच्छा काम करें, बहुत जल्द बड़े पर्दे पे दिखाई दें, एंड वी विश यू अ वेरी बेस्ट ऑफ लक। तो दोस्तों ये थी एक बहुत प्यार भरी और चुलबुली मुलाकात विद वन एंड ओनली इंद्राणी तालुकदार। अगले एपिसोड में मैं एक बार फिर आप सबके सामने हाजिर होऊंगा एक ब्यूटीफुल शख्सियत के साथ में, और बात करेंगे बहुत ही एक अलग अंदाज में। टिल देन साइनिंग ऑफ, लॉट्स ऑफ लव, बाय।